नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकतंत्र सेनानियों का 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का इलाज सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। टैगोर थिएटर में गत देर रात को आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले सत्याग्रहियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अन्य अतिथियों ने शुभ ज्योतिषना पुस्तक नामक कैसे भूले आपातकाल का दंश का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर जाने माने स्वर्गीय लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल व अन्य लोकतंत्र सेनानियों को राज्य सरकार के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान सत्याग्रह आंदोलन में जेल में जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन और हरियाणा परिवहन की बसों में लोकतंत्र सेनानी व उनके एक सहायक को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वहीं उन्होंने घोषणा की कि अब हरियाणा सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का 5 लाख रुपये तक का प्रति वर्ष तक इलाज का खर्च उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी के अलावा उनकी पत्नी का भी 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान अपनी आपबीती का भी जिक्र करते हुए अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट की घड़ी में परिवर्तन होते हैं। उन्होंने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु देश रहना चाहिए और लोकतंत्र बचना चाहिए। मन में हमेशा ताकत को बनाए रखना चाहिए और इसी आशा और विश्वास का सदैव बनाए रखें ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। देश में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिनको देख करके और वहाँ उस समय उन संकटों में से पार पाने के लिए जिन लोगों ने योगदान किया, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, बहुत महान कार्य इन्होंने किया है। देश की आज़ादी से कम ये मोमेंट नहीं था कि इमरजेंसी का विरोध करके जेलों में जाना, लोकतंत्र को बचाना। वास्तव में जैसे अंग्रेज़ों के राज में देश प्रतंत्र था, ऐसे ही मैं समझता हूँ 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो एक प्रकार का प्रतंत्रता का ही माहौल बन गया था, क्योंकि उसमें लोकतंत्र की हत्या हुई, मीडिया को बिल्कुल एक प्रकार से बांध के रख लिया गया, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर आघात हुआ और कोई भी व्यक्ति विचारों की जो उसकी प्रतिबद्धता होती है जिसके अनुसार उसको एक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ का जो स्वतंत्रता है हमारे संविधान ने दिया है उसको रद्द कर दिया गया। उस समय इमरजेंसी का विरोध करने वाले देश के जो लाखों लोग हैं उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है। बहुत लोग आज हमारे बीच में नहीं है, आज हमने उनको भी श्रद्धांजलि दी है और जो लोग यहाँ हमारे बीच में आए उनको हमने सम्मानित किया है और आने वाली पीढ़ी को इनके इन कामों को देख करके प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन भी हम लोग करते हैं। लोकतंत्र सेनानी जिनको हमने कहा है, इनका अपना व्यक्तिगत इलाज, पति पत्नी का दोनों का वर्ष में 5 लाख रुपये तक का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी इलाज तो सब फ्री है लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी यदि कराते हैं तो वर्ष का 5 लाख रुपए तक का ये सरकारी सहायता से करा सकते हैं, ऐसे आज हमने घोषणा की।